वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम लोग हमारी क्लास 11 का टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज डायमेंशंस। यस, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमारे डायमेंशंस। हमने सबसे पहले एक बात पढ़ी थी डायमेंशंस में, दैट देयर आर फिजिकल क्वांटिटीज। वो फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास क्या थी, फंडामेंटल थी, आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स की थी। अब हम क्या कह रहे हैं, उन क्वांटिटीज की हमने टाइप्स बना दी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। यस, जो अभी तक आपने पढ़ा है उनके बेसिस पे हमने क्वांटिटीज की क्या बना दी, टाइप्स बना दी। देयर आर फोर टाइप्स। सबसे पहले आज हम उन्हीं फोर टाइप्स को देखेंगे कि वो कौन कौन सी टाइप है, और यही टाइप्स आपको वन मार्क क्वेश्चन में बहुत हेल्प करने वाली, क्योंकि वन मार्क क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाते हैं कि यस भाई इस टाइप का एग्जाम्पल दीजिए, या फिर ये एग्जाम्पल दे दीजिए किस टाइप में आता है। तो इसीलिए आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के लिए, वन मार्क क्वेश्चन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहली बात, दैट इज टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, क्वांटिटीज की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। ओके, तो फर्स्ट जो हमने पढ़ा वो क्या है हमारे पास, फर्स्ट वन इज डायमेंशनल कॉन्स्टेंट। नाम से आपको पता चल गया होगा, यस, वो फिजिकल क्वांटिटी आ गया सबके दिमाग में, वो फिजिकल क्वांटिटी जो खुद तो क्या है, कॉन्स्टेंट है। यस, खुद क्या है, वो एक कॉन्स्टेंट है, बट उसकी कोई ना कोई डायमेंशंस है। यस, वो फिजिकल क्वांटिटी जो खुद क्या है, कॉन्स्टेंट है, बट उसकी कोई ना कोई डायमेंशंस है, उनको हम लोग किस में क्वालिफाई करते हैं, यस, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट। किसमें कर दिया हमने, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट। ओके, तो फर्स्ट हमने टाइप क्या बना दी, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट। तो ये वो क्वांटिटी है, दोज क्वांटिटीज, कैसे बताएंगे आप, दोज क्वांटिटीज, ये वो क्वांटिटीज है, यस, विच आर कॉन्स्टेंट, जो कॉन्स्टेंट है आपके पास, बट हैविंग सम डायमेंशन, पर उसकी कुछ ना कुछ डायमेंशन है, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट। देन इतनी बात सबके पास, डायमेंशन तो उसकी है, पर वो खुद क्या है, कॉन्स्टेंट है, उसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट। अब आपको कैसे कौन हो सकता है भाई, कॉन्स्टेंट है और फिर भी डायमेंशन हो। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको याद आएगा, ओ ये तो हमने पढ़ा था। यस, दैट इज फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट, याद आ गया सबको, स्पीड ऑफ लाइट सबने पढ़ा है ना। स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पढ़ा था याद करो, यस, टेंथ क्लास में। कहते टेंथ क्लास तो चली गई, हमें तो कुछ याद नहीं है, बट स्पीड ऑफ लाइट सबको याद होगा, क्योंकि बहुत अच्छी सी चीज थी ये टर्म। स्पीड ऑफ लाइट आपके पास हमेशा फिक्स होती है, सबसे फास्टेस्ट है, और कितनी होती है ये आपके पास, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद है ना सबको, स्पीड ऑफ लाइट इज व्हाट, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड तो हमारे पास क्या होती है, डायमेंशन क्वांटिटी, याद है ना सबको, क्या निकाली थी स्पीड की, LT-1। तो स्पीड की डायमेंशन तो है, बट ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 3×10⁸। हो गया ना इजी सा। सेकेंड हमने क्या बोला, इसका दूसरा एग्जांपल क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। इसके डायमेंशन निकालनी सीखी थी आप लोगों ने, जिसने फर्स्ट वीडियो की नहीं देखी थी ये निकालनी, वो फटाफट से आई बटन को क्लिक करे और देख कर आए। क्या था आपके पास, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या होता है, कैपिटल जी, याद आ गया सबको, 6.67×10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये कैपिटल जी आपके पास क्या है, ये खुद एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ऑल ओवर द अर्थ, ऑल ओवर द यूनिवर्स, जहां पे भी हम कैपिटल जी की बात करते हैं, हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है, बट ये जो है इसकी कुछ ना कुछ डायमेंशंस होती है। तो हमारी जो फर्स्ट हमने क्लासिफिकेशन की, दैट डायमेंशनल कॉन्स्टेंट, फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या थी आपके पास, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट। उस डायमेंशन कॉन्स्टेंट के ये हमारे पास क्या है, कुछ एग्जाम्पल, ऐसे ही आपके पास फर्दर अभी और आएंगे, लाइक एक का नाम होगा गैस कॉन्स्टेंट, उसको हम आर से डिनोट करेंगे, आपकी केमिस्ट्री में आएगा।
फिर आपके पास आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कुछ ही कांस्टेंट आगे आगे आपके पास आते जाएंगे तो वहां आपको दिखता जाएगा कि वो डायमेंशंस भी है उनकी और साथ ही साथ वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी भी है ना। अब हम कहते हैं हमारे पास ये थी फर्स्ट क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन की हमारे पास उसमें क्या आया, इट इज डायमेंशनल वेरिएबल। वेरिएबल तो सबने पढ़ा है मैथ्स में है ना, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चेंज होना। वेरिएबल मतलब चेंज होना, तो वो क्वांटिटीज डायमेंशनल वेरिएबल नाम से पता चल रहा है, वो क्वांटिटीज जो डायमेंशंस तो है ही है उनकी और साथ ही साथ वो क्या है, वेरिएबल है, मतलब वो चेंज हो जाते हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट अभी तक हमने जितनी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है उनमें से ऑलमोस्ट सब किसके अंदर आएंगे, डायमेंशनल वेरिएबल में। लाइक फोर्स है ना, कभी 5 न्यूटन कभी 6 न्यूटन कभी कितना भी चेंज हो सकता है। तो वो जो जितना भी चेंज हो सकता है वहां से हमें क्या पता चला, उस फोर्स की डायमेंशंस भी है, क्या होती है, यस MLT-2। तो फोर्स की कोई ना कोई डायमेंशंस भी है और साथ ही साथ वो वेरिएबल भी है, मतलब वो चेंज भी हो सकता है। तो हमारा जो ये अगला आ गया वो क्या आ गया, डायमेंशनल वेरिएबल। तो डायमेंशनल वेरिएबल क्या है आपके पास, दोज क्वांटिटीज, ये वो क्वांटिटीज है आपके पास विच आर वेरिएबल्स, मतलब जो चेंज हो सकता है, विच आर वेरिएबल्स एंड हैविंग डायमेंशंस, उनकी डायमेंशंस भी है और साथ ही साथ वो क्या है आपके पास, वेरिएबल है। एग्जांपल क्या दे दोगे, यस फोर्स, वर्क डन, बहुत सारा पढ़ा हमने, वर्क डन, एक्सेलरेशन, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो आपको पता हो कि हाँ भाई ये तो चेंज हो सकती है, उन सबको हम इसके अंदर डाल देंगे डायमेंशन वेरिएबल के अंदर, इजी सा ना। अब हम क्या देखते हैं इसकी थर्ड टाइप, ओके। तो थर्ड हमारे पास क्या आ गई, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। यस, नाम से पता चल गया आपको, कॉन्स्टेंट होगा मतलब कोई फिक्स वैल्यू होगी उसकी और साथ ही साथ उसकी क्या होगी, डायमेंशंस भी नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, डायमेंशन लेस है। तो क्या कह दिया हमारे पास, दोज क्वांटिटीज विच आर फिक्स्ड, वो क्वांटिटीज जो आपके पास क्या है, फिक्स है, दोज क्वांटिटीज विच आर फिक्स्ड, जो आपके पास क्या है, फिक्स है, एंड द मेन थिंग हैविंग नो डायमेंशंस। पहले वाले में डायमेंशंस थी, अब क्या है, हैविंग नो डायमेंशंस, उसकी डायमेंशंस भी नहीं है। एग्जांपल सोचो क्या होगा, यस सिंपल नंबर 5, 4, 6 कोई भी ऐसी वैल्यू, पाई, क्या है ये सब, कॉन्स्टेंट है ना, फिक्स वैल्यू है, बट इनकी कोई भी डायमेंशन भी नहीं है। तो ये किसके अंदर कंसीडर होगा, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट के अंदर। एग्जाम्पल पाई, 5, 6, 4 कुछ भी आप लेके चलेंगे, डन है ना, इजी था ना। उसके बाद आ गई हमारी फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप ने क्या बोल दिया आपको, डायमेंशन लेस वेरिएबल। यस, अब फिर से वेरिएबल का नाम आया, वेरिएबल का मतलब क्या था आपके पास, ये जो चेंज हो सकता है उसको हम क्या बोल देते हैं, वेरिएबल, और जो चेंज नहीं हो सकता, जो फिक्स है, उसे बोल देते हैं कॉन्स्टेंट। तो डायमेंशन लेस वेरिएबल आपके पास क्या है, दीज आर दोज क्वांटिटीज, यस दीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर हैविंग नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं है इनकी और साथ ही साथ ये चेंज भी होते रहेंगे, वेरिएबल है। Those quantities which are variables, which are changed, जो आपके पास चेंज हो रहे हैं और साथ ही साथ having no dimensions, कोई dimension भी नहीं है। सोचे इसका example, देखो आपने पढ़ा एंगल, पढ़ा ना सबने, यस एंगल अगर आपको कभी निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, आर्क अपॉन में डिस्टेंस, ऐसा ही निकाला जाता है। अब ये मैथ्स में आपके पास कंप्लीट आ जाएगा, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन में डिस्टेंस। अब बोला आर्क क्या है, आर्क भी एक डिस्टेंस है, आर्क क्या होती है, ऐसे लिया, ये आर्क मान भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो खुद ही डिस्टेंस है, दोनों की डायमेंशन एल एल, क्या हो गई, कैंसिल, डायमेंशन क्या हो गई फिर इसकी, एम जीरो एल
कभी 30 कभी 60 कुछ भी हो सकता है। एंगल तो चेंज होंगे ही होंगे पर इनकी डायमेंशंस भी क्या होगी, जीरो होगी। मींस एम जीरो एल जीरो एंड टी जीरो। सेम एक क्वांटिटी आती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन हमारे पास क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। लाइक लिख दिया चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूम की डायमेंशन एल क्यूब, ओरिजिनल वॉल्यूम इज ऑल्सो एल क्यूब। सेम चीज कैंसिल हो गई, क्या आगे एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो दो ऐसी क्वांटिटीज हमने निकाल दी जिसकी डायमेंशन क्या है, कोई भी नहीं है, मतलब एम जीरो एल जीरो टी जीरो। उसी तरह हमारे पास क्या आ गया, ये किस क्लासिफिकेशन के अंदर आ गया, डायमेंशन लेस। यस, डायमेंशन लेस। और साथ ही साथ ये क्या है, वेरिएबल्स है। पहले वाले क्या थे, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, अब वाले क्या है, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। ओके, ये चार क्लासिफिकेशन थी हमारी किसकी, क्वांटिटीज की। पहले आपने इनको नोट कर देना है, अपने नोट्स बना लेने हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। अब आप बात करी अभी तक किस चीज के बारे में, डायमेंशंस के बारे में, डायमेंशंस के यूजेस के बारे में। डायमेंशंस कई जगह हमारे काम आ रही थी, क्वांटिटीज को क्लासिफाई कर रही थी, और इसी तरह हमने डायमेंशंस के बहुत सारे यूजेस देखे हमारे लास्ट टू लास्ट वीडियोस में। जिसने नहीं देखा है वो फटाफट से जाके वीडियोस देख कर आइए। अब हमने क्या कहा, भाई वी आर इंडियंस, हमने बहुत सब देख लिया उसके बारे में, अच्छा तो, पर बिना बुराई के तो हम आगे चल ही नहीं सकते है। यस, बहुत सही चीज, हमने यूजेस तो देख लिए डायमेंशंस के, अब हम किस पर आ जाएंगे। हमने बहुत चीजें देखी यार तेरे बारे में अच्छी, अब क्या देख लेंगे, कुछ गंदा। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, यस डायमेंशंस की लिमिटेशन के बारे में, भाई ये डायमेंशंस कहाँ पे काम नहीं कर पा रही है। ओके, करें स्टार्ट फिर, चलो। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले इसकी लिमिटेशन जब हमने देखी तो देखा यार दो चीजें तो ये बहुत अच्छे से क्लियरली बता रहा था, कुछ दिक्कत आई नहीं रही थी। किस में, लाइक जब हम कन्वर्जन कर रहे थे एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा था हमारे पास। दूसरा, हम करेक्टनेस चेक कर रहे थे फॉर्मूलाज की, तब भी कोई दिक्कत नहीं आई, डायमेंशन बहुत अच्छे से हो रहा था। बट हम तो बिना लिमिटेशन के चलते ही रही है ना, तो हमने क्या कहा, ढूंढेंगे लिमिटेशन तो ढूंढेंगे। ढूंढ दी फिर हमने किसके अंदर, जब हम लोग हमारा थर्ड यूज पढ़ रहे थे, कौन सा, दैट डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। यस, जब फॉर्मूला को डिराइव करना सीख रहे थे तो हमने कर भी दिया था, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर भी आ गया था। बट हमने क्या ढूंढ दी, उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस ढूंढ दी। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या आई हमारे पास, जब हम वो फॉर्मूला लगा रहे थे, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला कर रहे थे, तब हमारे पास कॉन्स्टेंट के बारे में तो वो कुछ बता ही नहीं रहा था। वो तो किसके बारे में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके हमें आंसर दे रहा था। हम लगा देते थे वहां पे के कोई भी कॉन्स्टेंट होगा, तो हम उस कॉन्स्टेंट के बारे में कैसे पता लगाए, वो डायमेंशंस बता ही नहीं पा रही थी, नहीं बता रही थी, तो वो लिमिटेशन में आ गया। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या आई, ये कॉन्स्टेंट के बारे में बता नहीं पा रहा था। इन केस ऑफ डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, जब आप फॉर्मूला डेरिवेशन कर रहे थे, इन केस ऑफ डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला में इसने क्या लिमिटेशन बता दी, यस फर्स्ट लिमिटेशन बताई कि ये नहीं बता पा रहा था किसके बारे में, डज नॉट गिव नॉलेज अबाउट, डज नॉट गिव नॉलेज अबाउट, यस द कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट के बारे में कोई नॉलेज दे ही नहीं रहा था, नहीं दे रहा तो ये फेल हो गया। ओके, तो फर्स्ट लिमिटेशन आप क्या कहेंगे, लाइक हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ स्ट्रिंग, तो वो क्या आया था हमारे पास, वन के अंडर रूट एल बाय जी, तो के कॉन्स्टेंट था, जबकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, वन बाय टू पाई अंडर रूट एल बाय जी। इस कॉन्स्टेंट के बारे में बताया नहीं था उसने, इसी वजह से वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट लिमिटेशन डन। सेकंड हमने क्या देखा, अच्छा जी डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला कर रहे थे तो मास लेंथ और टाइम
तीन बार ही अगर कोई चीज आ रहा था तो फॉर्मूला हो रहा था, क्योंकि उससे तीन कॉन्स्टेंट आ रहे थे हमारे पास, तीन वेरिएबल्स ए बी एंड सी, तीन इक्वेशन बन रही थी, सोल्व कर रहे थे। मान लो अगर हमें ऐसा कह देता टाइम पीरियड मास पे भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे भी कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी कर रहा है और हाइट पे भी कर रहा है, चार फैक्टर्स आ गए। चार फैक्टर्स का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं था, हम कर ही नहीं सकते थे। तो डायमेंशंस का यूज फेल हो गया, लिमिटेशन आ गई कि भाई ये तीन ही क्वांटिटीज तक सॉल्व कर रहा था, अगर चौथी क्वांटिटी डिपेंडेंट में आ जाती है तो वो इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तो क्या आया हमारे पास, इट कैन सॉल्व ओनली थ्री, ठीक है, थ्री क्वांटिटीज को ही डिपेंडेंस में सोल्व कर रहा था एमएलटी, क्योंकि तीन ही थी, इससे ऊपर हमारे पास था ही नहीं, तो ये क्या हो गया हमारे पास फेल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने और आगे देखा, और आगे क्या देखा, अगर बात आ जाती थी ट्रिग्नोमेट्री की, भाई ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हम, ट्रिग्नोमेट्री की इसके पास कोई यूनिटी नहीं थी, कोई डायमेंशन ही नहीं थी, डायमेंशन नहीं थी तो ये उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला में यूज नहीं कर पा रहा था, फॉर्मूला में उसको भी नहीं ला पा रहा था, तो ये भी उसका क्या आ गया था हमारे पास लिमिटेशन, इट कांट एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ऐसे ही अभी आपके पास एक लॉगरिथम आएगा आगे फर्दर, तो ट्रिग्नोमेट्री को, लॉगरिथम को, किसी भी चीज को, एक्सपोनेंशियल, ये सब आपके पास मैथ्स के अंदर आगे आते जाएंगे, इन सब को वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था, तो इस वजह से वो क्या हो गया था, फेल हो गया था, है ना। ये इसकी क्या थी हमारे पास मेनली थ्री लिमिटेशन। अगली देखते हैं अभी हम, तो फोर्थ लिमिटेशन क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटीज थी, है ना, जैसे हमारे पास मान लो एक फॉर्मूला होता हमारा डिस्टेंस ट्रेवल का, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था ना हमारे पास, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो जब इसको हम डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला से निकालने लगे निकल ही नहीं रहा था, जबकि क्वांटिटी तो इसमें भी तीन थी, वन टू एंड थ्री, बट इसमें क्या आ रहा था प्लस माइनस, वो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था, तो इस वजह से ये भी उसकी क्या आ गई, एक लिमिटेशन आ गई। भाई प्रोडक्ट है, डिवाइड है, तो हमारा फॉर्मूला निकाल देगा डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, बट अगर कहीं पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन मोर देन टू क्वांटिटीज या मोर देन वन क्वांटिटीज भी आ रही है तो वो उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। मोर देन वन क्वांटिटीज कांट बी एक्सप्लेन ड्यू टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ड्यू टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसकी वजह से वो नहीं आ पा रहा था, है ना, तो ये उसकी लिमिटेशन हो गई। सेकेंड चीज क्या आई अब हमारे पास, सेकेंड ने अगला क्या बोला उसने फिफ्थ लिमिटेशन, कि ये तो बता दे भाई फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है वैसा है, बट द मेन थिंग फिजिकल क्वांटिटी की भी टाइप हम पढ़ते हैं लाइक स्केलर वेक्टर, उसको ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था हमारा डायमेंशन, तो हमारे पास एक लिमिटेशन आ गई कि फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, हमारी डायमेंशन उसे नहीं बता पा रही थी। तो क्या आ गई हमारी अगली लिमिटेशन, इट कांट एक्सप्लेन whether the quantity is scalar or vector, जबकि ये तो हमें पता होना चाहिए, तो ये ना ये बता पा रही थी कि quantity scalar थी, ना ये बता पा रही थी कि quantity vector थी, तो इस वजह से हमारे पास ये क्या हो गई थी, फेल हो गया था। तो कुछ एक लिमिटेशन आ गई, मतलब ओवरऑल अब आपको लग रहा होगा हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है, क्यों, क्योंकि हमने डायमेंशंस पढ़ी होती क्या है, फॉर्मूलाज बनाने सीखे, हमारे यूजेस देखे, लिमिटेशंस देख ली, तो हमने हमारे डायमेंशंस को पूरा का पूरा पढ़ लिया है। अब हम इसकी कुछ एक एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स देख लेंगे जिससे हमारा डायमेंशन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो अभी आपने फटाफट से इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना नहीं भूलना है। थैंक यू।